हेलो दोस्तों, हिंदी एंड वाई टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दुनिया की सबसे यूजफुल ट्रिक आपके एंड्रॉयड फोन के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रिक आपको डेली लाइफ में काफी ज्यादा हेल्प करेगी, आपके काफी ज्यादा काम आएगी। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल की साइज कितनी बड़ी है। ऐसे में दोस्तों मोबाइल को एक हाथ से यूज करने में काफी प्रॉब्लम होती है। अगर आप भी एक ऐसा मोबाइल यूज करते हैं जिसकी साइज काफी ज्यादा है और आपको एक हाथ से मोबाइल को यूज करने में काफी प्रॉब्लम होती है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए मुझे अपने मोबाइल में फेसबुक को ओपन करना है या मोबाइल में टॉप साइड में कहीं पर टच करना है, तो मैं अपने फिंगर को वहां तक लेकर नहीं जा पाऊंगा। आप देख सकते हैं मुझे दूसरे हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मैं कुछ इस तरह से मोबाइल में टच भी करता हूं तो मोबाइल हाथ में ठीक तरह से एडजस्ट नहीं होता है, मोबाइल के गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों कैसे आप अपने मोबाइल को एक हाथ से यूज कर सकते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं फेसबुक यहां पर टॉप साइड में है, तो मैं अपने इस फिंगर से फेसबुक को ओपन करके आपको दिखाऊंगा। तो एक बार यहां पर मैं स्वाइप करता हूं, अब दोस्तों यहां से मैं फेसबुक को ओपन कर पाऊंगा। आप देख सकते हैं फेसबुक ओपन हो चुका है। अगर यहां पर दोस्तों मुझे जाना है अपनी प्रोफाइल पे, तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं मेरा फिंगर तो वहां तक जाएगा नहीं, लेकिन इस आइकॉन के जरिए मैं इसे ओपन कर पाऊंगा। आप देख सकते हैं बहुत ही यूजफुल ट्रिक है दोस्तों, आपको डेली लाइफ में काफी काम आएगी अगर आप एक बड़ा एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं जिसकी साइज काफी ज्यादा है। आप देख सकते हैं कुछ ही टाइम में ये आइकॉन भी हट जाएगा, यानी कि आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। और जैसे ही आपको आइकॉन लाना है तो आप इसे स्वाइप कीजिए, ये आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो आसानी से हटा भी सकते हैं, आपको स्क्रीन पर कहीं पर भी एक बार टच कर देना, ये हट जाएगा। तो दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं इस ट्रिक को तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो यहां पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं हिंदी एंड्रॉइड टिप्स। दोस्तों इस ट्रिक को यूज करने के लिए आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है, इसका नाम है रीचेबिलिटी कर्सर। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसे जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आएगा। पहले आपको यहां पर टिक करना है, इसके बाद यहां से दोस्तों इस एप्लीकेशन को आपको परमिशन देना होगी, तो यहां से हम इसे परमिशन दे देते हैं। ओके ऑन। अब यहां से बैक आते हैं, बैक आने के बाद दोस्तों आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आप चूज कर सकते हैं कि आप यहां पे इस पॉपअप को राइट साइड से या लेफ्ट साइड से ऑन करना चाहते हैं, तो आप यहां पर इस सेटिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं दोनों साइड रहने देता हूं। ठीक है, अब हम बैग आ जाते हैं। अब दोस्तों यहां पे मैं स्वाइप करता हूं, आप देख सकते हैं यहां पर ये पॉपअप आ चुका है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस बड़े पॉपअप पर क्लिक करके दोस्तों इस छोटे पॉपअप को वहां पर लेके जाना है जहां पर आपको टच करना है। तो यहां पर मैंने क्रोम पर लेके आया, एक बार टच किया। अब दोस्तों आप देख सकते हैं क्रोम ब्राउजर ओपन हो चुका है। ठीक है, अगर मुझे जाना है ऊपर थ्री डॉट पे, तो दोस्तों मेरा फिंगर तो वहां तक जाएगा नहीं, तो यहां पर मैं इस छोटे पॉपअप को लेकर जाता हूं, एक बार टच करता हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप आसानी से अपने मोबाइल को एक हाथ से यूज कर पाएंगे। चाहे आप चल रहे हैं रोड पर या फिर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, तो आप आसानी से इस ट्रिक की मदद से दोस्तों इस पॉपअप के जरिए दोस्तों आप कहीं पर भी अपने मोबाइल के टॉप साइड में टच कर सकते हैं, यानी कि आपको दूसरे फिंगर को टच करने की जरूरत नहीं है, दूसरे हाथ को यूज में लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इसी तरह की वीडियोस अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।